नहीं रहे अंगिका भाषा को पहचान दिलाने वाले कवि हीरा प्रसाद हीरेंद्र, पंच तत्व में विलीन हुए हीरा प्रसाद हीरेंद्र। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज की मिट्टी में जन्मे अंगिका भाषा को पहचान दिलाने वाले कवि शुक्रवार को पंच तत्व में विलीन हो गए। बता दें कि अंगिका और हिंदी साहित्य में इनका अमूल्य योगदान है। अंगिका भाषा को समर्पित हीरा बाबू का जन्म 6 सितंबर 1950 को सुल्तानगंज के कठेरा में हुआ था। लेखनी से अंगिका में कई खंड काव्य महाकाव्य की रचना की। इनका काव्य खंड पुस्तक उत्तंग हमरो अंग और अंगिका महाकाव्य तिलका मांझी TMBU में MA के पाठ्यक्रम में छात्र पढ़ रही हैं। वो अखिल भारतीय अंगिका साहित्य कला मंच के राष्ट्रीय महामंत्री थी। अंगिका में गजल संग्रह, हिंदी संस्मरण, हिंदी काव्य संकलन, हिंदी एकांकी, लोक गाथा पर उपन्यास, कुंडलियों व दोहे लिखे, कई सम्मान व पुरस्कार भी मिले। सुल्तानगंज के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। मौके पर शोक व्यक्त करने वालों में कविगढ़ तथा ग्रामवासी मौजूद। यज्ञ देखकर लौट रहे बाइक सवार दो युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, दर्दनाक मौत। आक्रोशित लोगों ने NH को किया जाम। भागलपुर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार पुलिस प्रशासन की लापरवाही से हाईवा और ट्रक की चपेट में आने से लोगों की मौत हो रही है। मामला सबौर थाना क्षेत्र के NH 80 इंग्लिश फरका चौक का है। यज्ञ देखकर लौट रहे बाइक सवार दो युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे मौके पर दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक चालक भागने के क्रम में ट्रक लेकर गड्ढे में घुस गया और वहीं छोड़कर फरार हो गया। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH को जाम कर दिया, वहीं पुलिस पर भी पथराव किया। लोग DM को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। मौके पर 200 से अधिक पुलिस जवानों को घटना स्थल पर तैनात कर दिया गया। अधिकारियों ने किसी तरह से आक्रोशित लोगों को शांत कराया। लोगों का कहना था कि पुलिसकर्मी लगातार उगाही करते हैं, ट्रक चालकों से वसूली करते हैं, जिससे इस तरह की घटना हो रही है। आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा। मृतक की पहचान घोगा थाना क्षेत्र के पन्नूचक के गौतम ताती और सबौर थाना क्षेत्र के घोषपुर निवासी सोनू कुमार के रूप में हुई। दोनों यज्ञ देखने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल। फरार सरपंच के घर चिपकाया गया इश्तेहार। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मखना गांव में 6 फरार आरोपियों के घर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया गया। जगदीशपुर पुलिस ने ढोल बजाते हुए आरोपियों के घरों पर यह इश्तेहार चिपकाया। मामला पंचायत के मुखिया मुकेश मंडल और सरपंच जवाहर यादव के बीच हुई मारपीट से जुड़ा है। मुखिया ने सरपंच, उनके पुत्र और भाइयों सहित 6 लोगों के खिलाफ मारपीट और अनुसूचित जाति एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के बाद से सरपंच और उनके सहयोगी फरार चल रहे थे। थानाध्यक्ष गणेश कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई और सरेंडर न करने पर घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। बांका जिले से न्याय की गुहार लेकर महिला पहुंची भागलपुर DIG कार्यालय। बांका जिले के शंभुगंज थाना क्षेत्र की अराजी करसोप निवासी माला देवी घरेलू उत्पीड़न और मारपीट से दुखी होकर न्याय की गुहार लेकर भागलपुर DIG कार्यालय पहुंची। माला देवी का आरोप है कि उनके पति की अनुपस्थिति में उनके जेठ और उसका पुत्र उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और मारपीट करते हैं। उन्होंने अपनी शिकायत शंभुगंज थाने में दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन वहां उनकी शिकायत नहीं सुनी गई। इसके बाद उन्होंने बांका जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी अपनी समस्या बताई, पर वहां भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। माला देवी पति पंचम पूर्वे ने भागलपुर पूर्वी प्रक्षेत्र पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि बांका जिले से आई इस पीड़ित महिला की शिकायत पर किस प्रकार की जांच और कार्रवाई की जाती। विगत 6 वर्षों से भागलपुर पुलिस का जवान धनंजय कुमार पासवान बचा रहे हैं लोगों की जिंदगी। जिले में पुलिस का एक जवान धनंजय कुमार पासवान हेलमेट मैन के नाम से मशहूर है। पिछले 6 वर्षों से ये जवान सड़कों पर चलने वाले मुसाफिरों और चालकों को हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी सैलरी से उन चालकों को हेलमेट भी बांटते हैं जो हेलमेट नहीं पहनते। इस बेहतरीन कार्य के लिए स्मार्ट सिटी भागलपुर में वो काफी सुर्खियों में आ गए हैं। धनंजय कुमार पासवान बताते हैं कि वे बांका जिले के रहने वाले हैं। उनके परम मित्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। तभी से उन्होंने ये ठान लिया कि बिना हेलमेट के किसी की जान नहीं जानी चाहिए। वर्तमान में ये सुपर हीरो भागलपुर कोर्ट में एक सिपाही के रूप में कार्यरत है। कचहरी चौक पर लोगों को गुलाब देकर जागरूक करते नजर आए और कई लोगों को हेलमेट भी। अधेड़ पान दुकानदार की गला दबाकर व पत्थर से कुचलकर हत्या, आरोपित गिरफ्तार। गांव के ही 3 व्यक्तियों के द्वारा दुकान से बुलाकर दिया गया घटना को अंजाम। घटना के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपित को दबोचा।
पुलिस जिला अंतर्गत परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पहुंच पथ पर गरैया वैभव होटल के सामने पान दुकान संचालक झंडापुर थाना क्षेत्र के झंडापुर शेख टोला निवासी मोहम्मद फारूक का शत विक्षत अवस्था में शव बरामद हुआ। परबत्ता पुलिस द्वारा शुक्रवार देर शाम शव को कब्जे में लेकर अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। वहीं घटना की सूचना पुलिस ने मृतक के परिजनों को दी। जानकारी के अनुसार मृतक मोहम्मद फारूक पिछले कई वर्षों से परबत्ता थाना क्षेत्र के वैभव होटल व पेट्रोल पंप के सामने पान की दुकान संचालन करता था। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात उसके गांव के ही तीन व्यक्ति के द्वारा दुकान पर से बुलाकर उसे कहीं ले जाया गया। वहीं शुक्रवार सुबह पान दुकानदार का शव होटल के पीछे फेंका हुआ बरामद हुआ। मृतक के पुत्र मेहताब आलम ने बताया कि सुबह तक नहीं मिला तो अचानक फोन आया कि आपके पिताजी का शव होटल के पीछे फेंका हुआ है, जिस पर हम लोगों ने वहां पर पहुंचकर देखा तो सर पर पत्थर से प्रहार कर एवं गला दबाकर हत्या की गई। वहीं घटनास्थल के पास से एक गमछा भी बरामद हुआ। ऐसे परबत्ता पुलिस के द्वारा तत्काल मृतक दुकानदार को बुलाने वाले एक व्यक्ति झंडापुर निवासी मोहम्मद फूलो और फूल खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर के मृतक के पुत्र मोहम्मद मेहताब आलम ने बताया कि झंडापुर के तीन व्यक्ति के द्वारा ही बुलाकर उसकी हत्या की गई। दबंगों ने जबरन जमीन पर जमाया कब्जा, दूसरे की जमीन को लीज पर दिया, अब जान से मारने की दे रहे धमकी। पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। प्रशासन के लाख कोशिशों के बावजूद नवगछिया पुलिस जिले में दबंगों के कारनामे व जमीन पर कब्जा जमाने, किसानों को डराने व धमकी देने को लेकर विवाद व मारपीट की घटना लगातार घटित हो रही है। ताजा मामला खरीक अंचल अंतर्गत ढोडिया दादपुर का है। मामले को लेकर खरीक थाना क्षेत्र के तुलसीपुर जमुनिया निवासी पीड़ित किसान जितेंद्र राय पिता स्वर्गीय सुखदेव राय ने नवगछिया पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा एसडीपीओ ओम प्रकाश को आवेदन देकर दबंगों के कब्जे से उसकी जमीन को दखल कराने की गुहार लगाई। एसपी व एसडीपीओ को दिए आवेदन में पीड़ित किसान जितेंद्र राय ने लिखा कि खरीक अंचल अंतर्गत ढोडिया दादपुर मौजा खाता 357 खसरा 2754 रकबा 94 डिसमिल जमीन मेरे पिता के खतियानी हिस्से में मुझे मिली है, जो कि खतियान के तीन नंबर में संलग्न है। लिखा कि जब मैं और मेरा पुत्र निखिल कुमार राय जमीन मापी कराने और जोतने गए तो खरीक थाना क्षेत्र के ढोडिया लोकमानपुर निवासी अभियुक्त सुरेंद्र यादव पिता स्वर्गीय धनुकी यादव मुकेश यादव मिकी कुमार वो कुंदन कुमार पिता सुरेंद्र यादव वो कैलाश यादव पिता शत्रुघ्न यादव ने जबरन कब्जा कर किसी अन्य व्यक्ति को लीज पर चंदा राशि लेकर दे दिया। राशि देकर जमीन लेने वाले प्रमोद यादव पिता रामोतार यादव वो रंजन शर्मा हैं। जब मैंने अपनी जमीन को जोतने की कोशिश की तो लीज पर लेने वाले व्यक्ति प्रमोद यादव का कहना हुआ कि लीज में दी हुई राशि मुझे सुरेंद्र यादव मुझे लौटा दो तो मैं आपको जमीन पर चढ़ने दूंगा। इस बात को लेकर जब सुरेंद्र यादव से बातचीत कर आग्रह किया तो सुरेंद्र कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ आकर धमकी देने लगा। वहीं अभियुक्त उक्त जमीन को अपना बताकर जान से मारने की धमकी। मकंदपुर चौक एनएच पर रुक रुक कर लग रहा है जाम, लोग हलकान। मुख्य सड़क मार्ग एनएच 31 पर शुक्रवार देर शाम रुक रुक कर जाम लग जाने से वाहनों के चारों तरफ लंबी कतार लग गई। मकंदपुर चौक गोसाई गांव मुख्य बाजार एवं कुर्सेला व नवगछिया की ओर से चारों तरफ गाड़ियों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन स्थानीय लोग और नवगछिया पुलिस के सहयोग से तत्काल उसे रोका गया। तब तक वाहनों का इतना लंबा कतार हो गया था कि लोग ओवरटेक करके आगे पीछे गाड़ी घुसाने लगे, जिससे अफरा तफरी का माहौल रहा। ऐसे गोपालपुर पुलिस की गश्ती गाड़ी पहुंचने के उपरांत तत्काल वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए वाहनों को लगवाया गया, जिससे कि धीरे धीरे जाम खत्म हुआ। एग्जाम में एम्बुलेंस और कई गाड़ियां फंसी रही, जाम लगभग एक से डेढ़ घंटा लगा रहा। मामूली विवाद में जमकर चला लाठी डंडा, दोनों पक्षों से पांच जख्मी, बीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज रात। बीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोनवर्षा वार्ड संख्या एक झलारी टोला में शुक्रवार अहले सुबह करीब 4 बजे मामूली बात को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे व ईंट पत्थर से जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में प्रथम पक्ष के कुल 4 लोग घायल हुए। घायलों में पद्मा देवी, रोहित कुमार, राजन कुमार, अमरेश कुमार शामिल हैं। वहीं दूसरे पक्ष के निरंजन कुमार घायल हुए। सभी को हाथ पांव कमर सिर व सीने में चोट व जख्म है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, हालांकि वायरल वीडियो की जीएस न्यूज पुष्टि नहीं करता। इधर ग्रामीणों की सूचना पर बीपुर थाने की एसआई विद्यानंद तिवारी दलबल के साथ घटनास्थल पर सोनवर्षा पहुंचे और सभी घायलों को उठाकर बीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए पहुंचाया गया।
जहां सीएचसी के डॉक्टर ने सभी घायलों का इलाज किया। मारपीट की घटना को लेकर गांव में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई पंप सेट को लेकर व कोई पाइप से पानी लेने को लेकर मारपीट होने की बात बता रहा है। इस मामले में कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामले को लेकर बीपुर थाने के प्रभारी थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार ने बताया कि मारपीट को लेकर किसी पक्ष की ओर से आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाए। एग्रीकल्चर बाई टेक्नोलॉजी फॉर्म के नाम पर 51,000 रूपए की ठगी केस दर्ज। नवगछिया के बीपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा कंपनी टोला निवासी सुरेंद्र कुमार ने ऑर्गेनिक खाद एजेंसी और स्टॉकिस्ट देने के नाम पर 51,000 रूपए की ठगी का मामला दर्ज कराया। सुरेंद्र कुमार ने बीपुर थाने में आवेदन देकर बताया कि जितेंद्र पांडे और अभिनव कुमार सिंह समेत अज्ञात आधा दर्जन लोग एग्रीकल्चर बाई टेक्नोलॉजी फॉर्म नामक कंपनी के तहत ठगी कर रहे हैं। आवेदक सुरेंद्र कुमार के अनुसार 28 फरवरी 2024 को उक्त लोग उनके पास आए और ऑर्गेनिक खाद एजेंसी का स्टॉकिस्ट बनाने की पेशकश की। इस दौरान कंपनी के फर्जी कागजात दिखाए गए, जिसमें हेड ऑफिस वर्धमान नगर छत्रीबाग इंदौर मध्य प्रदेश और ब्रांच ऑफिस बरारी रोड श्रीराम इमरजेंसी हॉस्पिटल राजेंद्र नगर भागलपुर का पता दिया गया। सुरेंद्र कुमार से गोदाम कंफर्मेशन फॉर्म भरवाकर 51,000 रूपए की सुरक्षा राशि HDFC बैंक खाते और फोन पे के जरिए वसूली गई। जब सुरेंद्र कुमार ने इनसे संपर्क करने की कोशिश की तो सभी के मोबाइल नंबर बंद मिले। बाद में पता चला कि बरारी स्थित ब्रांच ऑफिस भी बंद हो चुका है। सुरेंद्र कुमार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रभारी थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। हत्या समेत अन्य मामले में 3 गिरफ्तार, 2 अपहर्ता बरामद। विगत वर्ष 25 दिसंबर को गोपालपुर थाना अंतर्गत खनन निरीक्षक भागलपुर और गोपालपुर थाना गश्ती टीम के द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध संयुक्त रूप से की गई छापेमारी के क्रम में होटल राज पैलेस के सामने अवैध रूप से बालू का भंडारण पाया गया। वहीं भंडारित स्थल से निकल रहे एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया। इस संबंध में खनन निरीक्षक भागलपुर मुनि महेश सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर गोपालपुर थाना कांड संख्या 626/23 दर्ज की गई। कांड अनुसंधान के क्रम में दोनों प्राथमिकी अभियुक्त गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया मकंदपुर निवासी पप्पू साह पिता उपेंद्र साह, सोनू कुमार पिता पप्पू साह को पुनर्अवर निरीक्षक कृष्ण कन्हैया के द्वारा घर के समीप गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दूसरी तरफ परबत्ता थाना कांड संख्या 140/22 दिनांक 6 नवंबर 2022 धारा 363/506 भादवी के अपहर्ता को पुनर्अवर निरीक्षक रंजीत कुमार के द्वारा बरामद किया गया। वहीं परबत्ता थाना कांड संख्या 83/24 धारा 366 भादवी की अपहर्ता को पुनर्अवर निरीक्षक संजू कुमारी के द्वारा बरामद किया गया। इधर खरीक थाना कांड संख्या 96/22 हत्या समेत अन्य मामले की प्राथमिकी अभियुक्त भवानीपुर थाना क्षेत्र के चक्रामी निवासी चंदन शर्मा पिता सुभाष शर्मा ने पुलिसिया दबाव के कारण न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज। विद्युत कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट केस दर्ज। बीपुर विद्युत आपूर्ति प्रशाखा के कनीय विद्युत अभियंता रविशंकर कुमार ने शुक्रवार को बीपुर थाने में आवेदन देकर सरकारी कार्य में बाधा डालने और विद्युत कर्मी से मारपीट करने को लेकर केस दर्ज कराया। आवेदन में लिखा है, नए विद्युत संबंध लेने वाले उपभोक्ताओं के परिसर की जांच के लिए कनीय सारणी पुरुष छोटू कुमार को भेजा गया। वही इस कार्य के दौरान सोनवर्षा टोला झगड़ बिग्घी वार्ड संख्या 2 में प्रिंस कुमार पिता विद्येश्वरी कुमार, विक्रमपुर वार्ड संख्या 9 के काली चरण दास पिता रघुनाथ दास व दो व्यक्तियों के द्वारा छोटू कुमार के हाथ से विभागीय कागजात छीनकर फाड़ दिया गया। वहीं प्रिंस कुमार के द्वारा लात घूसों से मारपीट की गई, गला दबाने की कोशिश की गई, जिससे छोटू मूर्छित होकर गिर गया। आवेदन में लिखा है कि जानकारी पाकर जब मौके पर पहुंचे तो अभियुक्तों ने घड़ी और सोने की चेन छिनतई कर ली। अभियुक्तों ने जान से मारने की धमकी दी। बीपुर थाने के प्रभारी थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार ने कहा, आवेदन पर कांड दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई। इस्माइलपुर में गंगा नदी के किनारे चलाया स्वच्छता अभियान। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के तत्वावधान में NMCG जलज टीम ने प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर बढ़ते हुए इस्माइलपुर में गंगा नदी के किनारे स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें गंगा प्रहरियों और स्थानीय समुदाय के लोगों को प्लास्टिक कचरा एकत्र करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। और प्रत्येक गंगा प्रहरी और स्थानीय समुदाय को बताया गया कि संतरी नमकीन बिस्कुट आइसक्रीम चिप्स आदि के विभिन्न कंपनीज के प्लास्टिक रैपर, जिन्हें मल्टीलेयर प्लास्टिक कहा जाता है,
है इकट्ठा करने का अनुरोध किया गया। सभी गंगा प्रहरी और स्थानीय समुदाय के लोगों ने गंगा नदी के किनारे प्लास्टिक को इकट्ठा किया। जलत परियोजना के सहायक समन्वयक राहुल कुमार राज ने बताया कि 1 किलोग्राम प्लास्टिक SDC फाउंडेशन को देहरादून डाक के द्वारा भेजेंगे। कार्यक्रम में विजय कुमार, जीवन कुमार, दीपक कुमार, गौरव कुमार, विमलेश कुमार, गुड्डू कुमार, सतीश कुमार इत्यादि गंगा प्रहरी उपस्थित। शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने का आरोप। परबत्ता थाना क्षेत्र की एक युवती ने शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने की शिकायत करते हुए पुलिस को आवेदन दिया। पीड़िता के द्वारा दिए आवेदन के अनुसार उनके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है, अकेली अपने भाई के साथ रहती है। विगत एक वर्ष से परबत्ता थाना क्षेत्र के कनकी साहू परबत्ता निवासी दीपक कुमार अपने प्यार के जाल में फंसा कर शादी करने का झांसा दिया और यौन शोषण करता रहा। अब जब उसको शादी के लिए कहा जाता है तो वो सब कुछ बर्बाद करके शादी करने से इनकार कर रहा है। इससे काफी परेशान हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है। परबत्ता थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर्पदंश से एक की मौत। नवगछिया पुलिस जिले के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर में सांप के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक लक्ष्मीपुर निवासी गुलचरण मंडल का पुत्र भोला कुमार है। बताया गया कि घोगा स्थित ईंट भट्टे पर वो काम करता था। ईंट के भट्टे पर सांप ने काट लिया। सांप काटने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय उसको झाड़ फूंक रहा था। झाड़ फूंक के दौरान ही उसकी मौत हो गई। परिजन शव को लेकर घर आए। BLS कॉलेज में BCA की पढ़ाई शुरू। नवगछिया के बनारसी लाल सर्राफ वाणिज्य महाविद्यालय में BCA की पढ़ाई आरंभ हुई। AICTI से BCA की पढ़ाई के लिए मान्यता दी गई। कॉलेज में सत्र 2024 के लिए BCA की पढ़ाई शुरू हो गई। अखिल भारतीय तकनीकी परिषद ने इसके लिए मान्यता प्रदान की। बनारसी लाल सर्राफ वाणिज्य महाविद्यालय तिलकामांझी भागलपुर से एफिलिएटेड है। सत्र 2024-25 में इस कोर्स की पढ़ाई के लिए 60 सीट का अनुमोदन प्राप्त हुआ, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। इस सफलता से क्षेत्र के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को अपनी रुचि के अनुसार अपना भविष्य बनाने में सहयोग मिलेगा। वहीं कॉलेज के अध्यक्ष उग्रमोहन झा, चेयरमैन डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा, प्राचार्य मोहम्मद नईमुद्दीन, डॉक्टर खालिद महमूद, विनोदानंद मंडल, अंकित कुमार, संदीप कुमार ने बताया कि अब छात्रों को इस विषय की पढ़ाई के लिए दूसरे बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं होगी। इस मौके पर सभी ने शिक्षकों को बधाई दी। मान्यता प्राप्त होने पर स्थानीय शिक्षाविद, समाज सेवियों ने भी हर्ष व्यक्त किया। डॉक्टर खालिद महमूद ने बताया कि BCA का नामांकन शुरू है, छात्र छात्राएं अपना नामांकन करवा। नारायणपुर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। कटिहार बरौनी रेलखंड पर स्थित नारायणपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण शुक्रवार की दोपहर बाद सोनपुर मंडल के ADRM योगेश कुमार ने डिवीजनल सेफ्टी ऑफिसर व अन्य रेल अधिकारियों के साथ किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेन परिचालन, स्टेशन की साफ सफाई व संरक्षा से संबंधित अन्य बिंदुओं की जांच की। रेलवे से जुड़ी अन्य संचिका की भी जांच कर रेल सुरक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रेल अधिकारी करीब 1 घंटे तक जांच पड़ताल की। इस दौरान स्टेशन मास्टर रजनी रंजन, रेलकर्मी विनोद कुमार, बासुकी ठाकुर, बुकिंग क्लर्क मिथुन कुमार व अन्य कर्मी मौजूद रहे।